नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि अभी की जो ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि हिमाचल प्रदेश में दो लोगों की जो है मौत हुई है, दो कोरोना मरीजों की। तो कहाँ के मरीजों की मौत हुई है इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो पर एंड तक बन रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना से दो और की मौत जो है हो गई है। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को दो लोगों की कोरोना से मौत हो गई। मंडी जिले के बलह क्षेत्र की 50 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कुल्लू जिले में जो है 69 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया था, उसे ब्लड प्रेशर व शुगर की दिक्कत भी थी। वहीं नेरचौक मेडिकल कॉलेज के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष भी गंभीर हैं। कोरोना चपेट में आए चिकित्सक को वेंटिलेटर पर जो है रखा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं मंडी जिले की बलहा क्षेत्र के 50 वर्षीय की और कुल्लू के जो है 69 वर्षीय बुजुर्ग की जो है कोरोना से जो है मौत हुई है, और एक नेरचौक हॉस्पिटल के जो है चिकित्सा जो है वो गंभीर हालत में है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दो लोगों की मौत हुई है और एक गंभीर है। तो ये थी दोस्तों अभी की ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें, और अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।